नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार यानी बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के पदों पर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल पदों की संख्या 4500 है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, देर कैसे चलते हैं जानकारी की तरफ। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का एक लिंक दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों से संबंधित लिंक दिखाई देगा, जिसे यहां हमने डाउनलोड किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024, डिटेल इंस्ट्रक्शन टर्म्स कंडीशंस ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO इन बिहार स्टेट, बैकग्राउंड यहाँ पर वी आर ट्रांसफरिंग प्रोसेस ऑफ हेल्थ सब हेल्थ सेंटर्स एडिशनली प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये सभी कंडक्ट किए जाते हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा। तो यहाँ इन पदों पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आवेदक ने BSc नर्सिंग में कोर्स किया हो, डिग्री की हो, साथ ही 6 महीने का इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट आवेदक ने हेल्थ कम्युनिटी के अंतर्गत CCH का प्राप्त किया गया हो, साथ ही आवेदक इंडियन नर्सिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इसके साथ ही नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स आवेदक ने किया हो, उसके बाद में 6 महीने का इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में आवेदक ने किया होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या जर्नल नर्स और मिडवाइफ GNM का कोर्स आवेदक ने किया होना चाहिए, और CCH का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो आवेदक ने इग्नू से या अन्य हेल्थ पब्लिक या मेडिकल यूनिवर्सिटी से आवेदक ने प्राप्त किया होना चाहिए। इसके साथ जो महत्वपूर्ण कंडीशन यहाँ लागू की गई है, सभी कैंडिडेट जो इन पदों के लिए आवेदन करने की इच्छा रखते हैं उन्हें इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी भी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अति आवश्यक है। इस विज्ञापन में जो कंडीशंस दी गई हैं उसके अंतर्गत शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को परमानेंट रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन का प्रूफ दिखाना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि रजिस्टर्ड नहीं है बिहार नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत लेकिन अन्य स्टेट में वो रजिस्टर्ड हैं, विल बी सबमिट एफिडिट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर उनको ज्वाइनिंग करते समय ये एक हलफनामा या फिर एफिडेविट देना होगा 90 दिन के अंदर ज्वाइन कर लेने के बाद। साथ ही अन्य स्टेटों में जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत उन्हें ज्वाइन करने के बाद में रजिस्टर्ड खुद को कराना होगा बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अंतर्गत, तभी उनको CHO के पद के रूप में कंसीडर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर कैंडिडेट के लिए शर्त रखी गई है, ज्वाइनिंग के बाद CHO के पद पर उन्हें कम से कम 18 महीने तक सर्विस देनी होगी, नहीं तो उन्हें 6 महीने का जो रेमुनरेशन है ऑनोरेरियम है जो लगभग 2,40,000 के बराबर होता है वो वापस करना होगा। साथ ही यहाँ पर सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के समय एक श्योरिटी बॉन्ड देना होगा 2,40,000 का। सक्सेसफुल कैंडिडेट की पोस्टिंग बिहार में कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में की जा सकती है। CHO के पदों पर जो आयु सीमा की कट ऑफ डेट है 1 अक्टूबर 2024 को आधार मानकर की जाएगी। मैक्सिमम एज 1 अक्टूबर 2024 के आधार पर अनरिजर्व EWS को 42 साल पुरुषों के लिए, 45 साल महिलाओं के लिए, जबकि BC EBC महिला और पुरुष दोनों के लिए 45 साल रखी गई है। बिहार के SC ST डोमिसाइल कैंडिडेट को 47 साल महिला पुरुष दोनों के लिए रखी गई है। मिनिमम एज जो होगी 21 साल रखी गई है।
10 साल की अतिरिक्त एज रिलैक्सेशन यहाँ डिसेबल्ड कैंडिडेट को दिया जाएगा। 5 साल तक की रिलैक्सेशन दी जाएगी कैंडिडेट्स को जो कि बीसी ईबीसी एससी एसटी वर्ग से संबंध रखते हैं। यहाँ जो वर्क प्रोफाइल होगा या जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, सेलेक्टेड कैंडिडेटों को पोस्टिंग दी जाएगी हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों के रूप में, जिनका मुख्य कार्य प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम के रूप में होगा ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर्स ANM एंड मेल हेल्थ वर्कर्स MPW और आशा के रूप में उनको काम करना होगा। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ वेलनेस सेंटर सब सेंटर्स हेल्थ एजुकेशन एनकरेज अवेयरनेस एबो 5 एक्सपेंड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजर साइंस रेफरल आफ्टर प्री रेफरल स्टेबलाइजेशन इम्प्लीमेंट बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल गाइडलाइंस सुपरविजन ऑफ हेल्थ वर्कर्स फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फैमिली प्लानिंग एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड सर्विसेज। CHO के पदों पर जो फाइनल सेलेक्शन होगा कंप्यूटर आधारित, उसके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ ऐसे कैंडिडेटों को ही क्वालिफाई माना जाएगा रिटन एग्जामिनेशन CBT में जो 30% या उससे अधिक अंक हासिल करेंगे। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। हर एक पोस्ट के अगेंस्ट 2 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सभी कैंडिडेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सभी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स की प्रस्तुत करनी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। CHO के पदों पर पोस्टिंग देने के बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में आवेदकों को हर महीने 40,000 रुपये दिए जाएंगे ऑनोरेरियम के रूप में या सैलरी के रूप में, जिसके अंतर्गत अकाउंट में केवल 32,000 रुपये भेजे जाएंगे फिक्स रेमुनरेशन के रूप में और रिमेनिंग जो 8,000 रुपीज हैं टू बी पेड परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट के रूप में और कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिसाइडेड हेल्थ आइडियाज के बेस पर जो 8,000 रुपये हैं वो डिपेंड करेंगे। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए आपको हेल्थ स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ अप्लाई वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। तो यहाँ वेलकम टू स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है। डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ लें आवेदन करने से पहले। डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, Annexure 1 और Annexure 2 सिक्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड जानकारी दी गई है। रजिस्टर वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, आवेदक का पूरा नाम यूजर नेम यहाँ पर दे देना है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पासवर्ड यहाँ बना लेना है तो इस और साइन अप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप देखेंगे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के टोटल 4500 पदों के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आप ऑनलाइन मोड में आवेदन अपने सबमिट करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि फीस आपको इन CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों के लिए कितनी कितनी पेमेंट करनी है। तो अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को, साथ ही अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट को 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि बिहार राज्य के मूल निवासी SC ST और दिव्यांगजनों को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है एक बार फीस पेमेंट करने के बाद में उसको वापस नहीं किया जाना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लेना है और ऑनलाइन मोड में आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, 21 नवंबर तक आप एप्लीकेशन फीस को और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में ऑनलाइन मोड में सबमिट करा देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। साथ ही कॉमेंट में हम जरूर जानना चाहेंगे आपको वीडियो हमारी कैसे लगती हैं और जानकारी आपको कितने काम आती हैं। इसके अतिरिक्त अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई और लेटेस्ट रोजगार समाचार से भरी जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।